हेलो बच्चों, वेलकम टू पी आर एस द फ्यूचर अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन के बारे में। और अभी तक इस चैप्टर का एक लेक्चर हुआ है और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था मूल राशियां, पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रकों के बारे में। तो आज क्लास में इसी चैप्टर के एक और टॉपिक को हम लोग लेते हैं और वो टॉपिक क्या है, वो है विमा यानी कि डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग आज की क्लास में बस इतना सीखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की जो विमा होती है उसको निकालने का क्या तरीका होता है, क्या अप्रोच होता है। ठीक है, और आज की क्लास पढ़ने के बाद आप किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हैं अगर आपको उसका फार्मूला पता हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि विमा क्या होता है। देखिए, विमा का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि को जब हम मूल राशि के रूप में व्यक्त करते हैं, आप किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जब मूल राशि के रूप में आप व्यक्त करते हैं तो उसमें कोई भी मूल राशि आ सकती है, जैसे लंबाई आ सकती है और द्रव्यमान आ सकता है, समय आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो किसी भी भौतिक राशि को जब हम मूल राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उन मूल राशियों पर चढ़ी हुई कुछ घातें भी होती हैं, है ना। जैसे लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर के घात 2 आपको कहीं मिल सकता है, मीटर के घात -3 मिल सकता है। तो जो भी उसके घात में मिलता है हमको, उसी पावर को, उसी इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं उस भौतिक राशि की विमा। एग्जांपल के लिए आप जैसे यहाँ से समझिए, ये चीज़ आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही होगी, एग्जाम्पल से देखिए कि सपोज कि मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है, है ना, मैंने आपको बताया था। और ये कौन सी भौतिक राशि है, क्या ये मूल राशि है, नहीं। क्या ये पूरक राशि है, नहीं। तो ये कौन सी राशि है, ये एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करती है। और कैसे निर्भर करती है, कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई और चौड़ाई देखा जाए तो एक तरह से एक ही मूल राशि है, जिसको हम लोग सामान्यतः लंबाई कहते हैं। लेंथ ही तो है एक प्रकार का, है ना। तो लंबाई की अगर हम मीटर मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर, इसी तरह से, और इसी तरह से चौड़ाई के मात्रक की बात करें तो इसका भी मात्रक मीटर, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मीटर के घाते 2। इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर के पावर 2 पर डिपेंड करता है। तो ये जो मीटर के पावर में 2 है, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, इसी पावर को हम लोग बोलते हैं विमा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में लंबाई की विमा क्या होती है, तो आप बोलेंगे क्षेत्रफल में लंबाई की विमा 2 होती है। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि मैं वेग की बात कर रहा हूँ, वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब इसमें हम लोग मात्रकों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे आप मूल राशियों को थोड़ा डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ दिन बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप ऐसे ही देख के बता देंगे कि अच्छा, ये लेंथ के मतलब लंबाई के पावर 1 और समय के पावर -1 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। यानी कि वेग का मात्रक क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। अब पर सेकेंड जो अपान में सेकेंड है उसको ऊपर ले जाइए तो क्या मिलेगा, मीटर सेकेंड -1, है ना, मीटर सेकेंड -1। और मीटर का पावर कुछ नहीं, तो उसका पावर हम लोग क्या मानते हैं, जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। तो जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर हमने 1 मान लिया। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, वेग में जो वेग है, वेग या चाल कुछ भी हम लोग ले लें, वेग जो है उसमें, वेग में लंबाई की विमा क्या है। देखिए, वेग में लंबाई की जो विमा है या दूरी की जो विमा है वो है +1, और समय की जो विमा है, देखिए यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है और सेकेंड समय होता है, तो समय की विमा कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि विमा बोलने का मतलब क्या है। विमा बोलने का मतलब है कि किसी भी भौतिक राशि को जब मूल राशि के रूप में व्यक्त करते हैं या मूल राशि के मात्रकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसके ऊपर जो चढ़ी हुई घातें होती हैं उसी को हम बोलते हैं विमा। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे चलिए त्वरण की मैं बात कर ले रहा हूँ, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण बराबर लिखते हैं ना वेग परिवर्तन की दर, या हाँ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रक क्या आता है, डायरेक्ट हम मात्रक लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इससे मैं आपको आपसे कोई पूछे कि बताइए त्वरण में लंबाई की विमा क्या है, तो लंबाई इसमें क्या, ये मीटर है, और मीटर का पावर क्या दिख रहा है, +1। तो त्वरण में जो लंबाई की विमा है वो है +1, और सेकेंड की मतलब समय की विमा क्या है, तो समय की विमा आप देखिए मीटर सेकेंड पावर 2 है, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिखते,
मीटर सेकेंड माइनस टू, तो आपको मिला कि मीटर का पावर वन और सेकेंड का पावर माइनस टू। इसका मतलब कि त्वरण में लंबाई की बीमा एक और समय की बीमा माइनस दो होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बीमा। ठीक है, तो बीमा का मतलब क्या है? बीमा का मतलब होता है कि मूल राशियाँ या जो मूल मात्रक है उन पर चढ़ी हुई घाते। और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? किसी भी व्युत्पन्न राशि को, किसी भी भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि को जब हम मूल राशि के रूप में व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर हमको ये पता चलता है कि ये इसकी कितनी घात पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई कि मूल राशि बीमा क्या होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बीमा को लिखते कैसे हैं, इसका जो स्टैंडर्ड तरीका है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा को किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि सात मूल राशियाँ मैंने आपको बताया, और वो सातों मूल राशियाँ आप याद रखिए, सातों मूल राशियाँ और उनकी बीमाओं को मैं यहाँ पर पहले एक बार फिर से लिख रहा हूँ, और सातों मूल राशियों की बीमाओं को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सातों मूल राशियों की बीमाओं को, बीमा नहीं बीमित सूत्र हम बात करने वाले हैं, बीमा तो चढ़ी हुई घातों को बोलते हैं, तो हम लोग बीमा समझ गए, अब हम लोग बीमित सूत्र निकालने जा रहे हैं। तो जो सातों मूल राशियाँ हैं, सबसे पहले हम उनके बीमित सूत्र को याद रखेंगे, और उसकी मदद से आप किसी भी दूसरी भौतिक राशि का बीमित सूत्र निकालेंगे, और बीमित सूत्र अगर आपने निकाल लिया तो आप उसकी बीमा भी बता देंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मूल राशियाँ लिख रहा हूँ, मूल राशियाँ, और इसके बारे में बहुत कुछ मुझे नहीं बताना है, मैं पहले ही पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। ठीक है, मूल राशियाँ और इनके हम बीमा की बात करें, अर्थात बीमित सूत्र की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बीमा और बीमित सूत्र में क्या डिफरेंस है, और नॉर्मली बुक्स में भी आप देखा जाए और जनरल जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं उसमें बीमा और बीमित सूत्र को हम लोग मिक्सअप कर चुके हैं और ये अडॉप्ट हो चुका है, और अक्सर लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई बीमित सूत्र की बात कर रहा हो आपसे लेकिन वो बोल बीमा रहा हो। ठीक है, हो सकता है वो बीमा की बात कर रहा हो लेकिन वो बीमित सूत्र बोल रहा हो। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ज्योति तीव्रता, फिर कितने हो गए, तीन, तीन और छः, एक बच गया, और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये सात हैं मूल राशियाँ, और इन सातों मूल राशियों के मैंने आपको मात्रक बताए जिनको कहते हैं मूल मात्रक। ठीक है, अब हम लोग सीधे बात कर लेते हैं इनके बीमित सूत्र की। देखिए, लंबाई की जो बीमित सूत्र होती है वो होता है L, और इस तरीके से इसको लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से, और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लंबाई का बीमित सूत्र हो गया L, हमेशा जितने भी बीमित सूत्र हम लोग लिखने जा रहे हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, और कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे और इसके साथ ही बड़े वाले ब्रैकेट में बंद भी किए जाएंगे। द्रव्यमान के लिए होता है M, कैपिटल M। ठीक है, और समय के लिए टाइम, यानी कि कैपिटल टी। ठीक है, सेकंड नहीं लिखना है यहाँ पर आपको, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम नहीं लिखना है यहाँ पर, वो मात्रक होते हैं और उनके मात्रकों के प्रतीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बीमित सूत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ताप के लिए, अब देखिए अलग है ये, और ताप के लिए क्या है तो मैं इसको अलग कलर से भी लिख देता हूँ। ताप के लिए होता है थीटा, और विद्युत धारा के लिए होता है यहाँ पर एक तरह से एम्पियर ही कह लीजिए इसको, एम्पियर, और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला, यानी कि सी डी, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ठीक है, ये सात मूल राशियां और उन सातों मूल राशियों के ये हो गए बीमित सूत्र। इसमें से ध्यान रखिए, ये और ये आपको बहुत ही रेयर ही देखने को कहीं पर मिलेगा। ठीक है, किसी भी बीमित सूत्र में, फिजिक्स में अगर बात करें तो आपको ऐसा बहुत कम चांस होगा कि आपको इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना पड़े, किसी का इसमें प्रयोग करना पड़े। जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो ये तीन मिलेंगे, L, M और T। ठीक है, इसीलिए किसी भी भौतिक राशि की का जो बीमित सूत्र होता है उसको हम लोग L, M और T के रूप में, स्टैंडर्ड रूप में जब लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि L, M और T तीनों को वहाँ पर प्रेजेंट करें। अगर सपोज कि किसी के बीमित सूत्र में L नहीं आ रहा है तो उसके L पावर जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो वो L, M और T के फॉर्म में हो। ठीक है, इसके अलावा आपको थीटा भी मिलेगा, इसके अलावा आपको एम्पियर भी देखने को मिलता है, ये दोनों आपको नहीं मिलते। ठीक है, और अगर मिलते हैं तो आप ये बीमित सूत्र प्रयोग कर सकते हैं।
अब देखिए एक चीज़ याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि याद कैसे करेंगे। देखिए लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, तो यहाँ पर लिखा गया एल। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, तो लिखा गया एम। समय को बोलते हैं टाइम, तो लिखा गया टी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट थ्री जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो उनका जो इंग्लिश में नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर है। ठीक है, जो भी इनका इंग्लिश में नाम होता है उसी का ये फर्स्ट लेटर आपको दिख रहा है। ठीक, और इसके अलावा अब देखिए जो थीटा वाला केस यहाँ पर दिख रहा है, थीटा का ताप का बीमी सूत्र थीटा होता है, ये कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको आप तो ऐसे ही याद कर लीजिए ताप का बीमी सूत्र थीटा होता है। ठीक है, और लास्ट के जो तीन दिख रहे हैं, ये लास्ट के जो तीन हैं इसमें आप ध्यान से देखिए तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो लिखा गया है ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, तो लिखा गया है सी डी। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, तो लिखा गया है मोल। ठीक है, इसका मतलब कि जो फर्स्ट थ्री डायमेंशनल फार्मूला है, बीमी सूत्र है, वो इनका इंग्लिश में जो नाम है उसका पहला लेटर है, और जो लास्ट थ्री है वो इनके इनका जो यूनिट है, इनका जो मात्रक है उसके आधार पर लिखा गया है, और एक को आप अपवाद एक्सेप्शन समझ के याद कर लीजिए। ठीक है, इतनी ही चीज़ अगर आपको याद है बीमा के लिए तो आप किसी भी एक भौतिक राशि का बीमी सूत्र निकाल सकते हैं और उसमें किसी भी एक मूल राशि की बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बीमा और बीमीय सूत्र दोनों सेम नहीं है, लेकिन अक्सर लोग यूज करते हैं। देख लीजिए, बीमा और बीमीय सूत्र, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हैं। बीमा क्या होती है, बीमा देखिए जो बीमीय सूत्र हम निकालते हैं उस बीमीय सूत्र में मूल राशि के ऊपर जो चढ़ा हुआ पावर या घात होता है उस पावर या घात को हम क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब चलिए शुरू करते हैं, हम यहीं से बीमा भी निकालेंगे, है ना। अब सभी कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कैसे बीमीय सूत्र निकालते हैं, कैसे बीमा निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ और इसी एग्जाम्पल के साथ ही लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा बीमा क्या है, बीमीय सूत्र क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल, आसान सा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए क्षेत्रफल का अगर आपको बीमीय सूत्र निकालना है या कॉमन वर्ड में कहें बीमा निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर पहले तो इसका फार्मूला आप मूल राशि के रूप में लिखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, हो गया मूल राशि के रूप में ये आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये मूल राशियां हैं। अब आप क्या करिए कि लंबाई और चौड़ाई जो है इन दोनों का बीमीय सूत्र यहाँ पर रखिए। तो लंबाई के लिए बीमीय सूत्र क्या होगा, देखिए लंबाई के लिए बीमीय सूत्र एल लिखेंगे, लंबाई के लिए बीमीय सूत्र हो जाएगा एल। इसी तरह से अब बताइए चौड़ाई के लिए, यहाँ पर कहीं तो चौड़ाई तो है नहीं, तो चौड़ाई के लिए बीमीय सूत्र क्या लिखें, क्या चौड़ाई कोई मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है और हमको फार्मूले को मूल राशि के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि लंबाई बोलने का मतलब सिर्फ लेंथ नहीं होता है, लंबाई बोलने का मतलब यहाँ पर ये एक कह सकते हैं कॉमन वर्ड है, है ना। जैसे आदमी कभी बोलते हैं कि आदमी को हमेशा प्रयास करना चाहिए, तो क्या आदमी मतलब खाली मेल को ही प्रयास करना चाहिए, फीमेल को प्रयास नहीं करना चाहिए, तो आदमी बोलने का मतलब होता है मानव जाति से होता है ना, एक कॉमन वर्ड है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही यहाँ पर लंबाई बोलने का मतलब खाली लेंथ नहीं है, लंबाई बोलने का मतलब किसी भी प्रकार का डिस्टेंस या दूरी हो सकता है, तो कौन कौन सा रूप यह धारण कर सकता है ना, इसके नौ रूप हो सकते हैं, नौ रूप से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, लंबाई कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं, किसी भी मान लीजिए गोले की जो त्रिज्या है वो भी एक प्रकार की लंबाई है, तो उसका भी बीमा हम एल लिखेंगे, है ना। किसी भी चीज़ की जो गहराई है वो भी एक तरह की दूरी या लंबाई है, तो उसका भी बीमा सूत्र क्या होगा, एल होगा। कहीं पर पहाड़ की जो ऊंचाई है वो भी एक प्रकार की लंबाई है, उसकी भी बीमा क्या होगी, एल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो व्यास होता है किसी भी वृत्त का व्यास होता है वो भी एक प्रकार की लंबाई या दूरी है, तो उसका भी बीमीय सूत्र एल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया, तो ये ऊंचाई और लंबाई और इसके अलावा मोटाई की बात कर लेते हैं, मोटाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये सब के सब क्या हैं, एक तरह से देखा जाए तो लंबाई ही है। ठीक है, तो मूल राशि में हमने जो वर्ड लिखा है यहाँ पर लंबाई,
ये एक कॉमन वर्ड है जो बहुत सारी इन सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, मोटाई हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, सबका भीमीय सूत्र क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो चौड़ाई के लिए लिख दीजिए यहाँ पर एल और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एल इंटू एल क्या मिलेगा? एल पावर टू, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र को एम एल और टी के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, एकदम सेम है, सब कुछ सही है। अच्छा दिखने के लिए और एक सिस्टम से लिखने के लिए ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। आप लिख सकते हैं, देखिए एम का कुछ पावर आएगा ए, एल का कुछ पावर आएगा और टी का कुछ पावर आएगा, वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? एल पावर टू। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे? तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एम एल और मैं टी कर रहा हूँ देखिए, और सॉल्व करने के बाद एल पावर टू आया है तो एल पावर टू तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ये चल नहीं रहा मार्कर, चलिए एल पावर टू हो गया। एम तो नहीं आया था ना इसमें, मास कहीं पर भी नहीं आया था। किसी भी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो इसका मतलब यहाँ पावर जीरो कर दीजिए, ठीक है। ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था। इसी तरीके से टी का टी पर भी समय पर भी निर्भर नहीं करता, सतह का क्षेत्रफल आज वही है, कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा, समय पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब कि इसका भी पावर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है पूरा, ये क्या है? ये पूरा है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, ठीक है। जब इसको हम लोग ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं विमीय सूत्र। तो ये हमने विमीय सूत्र निकाला है, लेकिन सामान्यतः लोग बोलते हैं, बुक्स में लिखा रहता, पेपर में भी कई बार आ जाता है कि विमा निकालिए, तो विमा मतलब यही विमीय सूत्र को लोग बोलते हैं। लेकिन रियल में विमा का मतलब क्या होता है तो मैं बताता हूँ आपको। द्रव्यमान की विमा है एम, अगर इस क्वेश्चन में आपसे विमीय सूत्र पूछा जाता क्षेत्रफल का तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है एम की विमा, द्रव्यमान की विमा क्या है क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल के विमीय सूत्र में द्रव्यमान की विमा है शून्य। क्षेत्रफल के विमीय सूत्र में लंबाई की विमा क्या है? इसकी विमा है प्लस टू। क्षेत्रफल के विमीय सूत्र में समय की विमा क्या है? यह है जीरो, ठीक है। बस इतना ही आज के लेक्चर का जो मेन मोटो था कि आपको ये समझना है कि किस तरीके विमा क्या होता है। समझ गए होंगे विमा क्या होता है, कि मूल राशियों के ऊपर जो चढ़ी हुई घातें होती हैं उसको विमा कहते हैं, और जब उसको इस तरीके से ब्रैकेट में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको विमीय सूत्र कहते हैं। और किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या चाहिए? बस उसका हमको फार्मूला चाहिए, उसको हमको मूल राशियों के रूप में तोड़ देना है, और उसके बाद जितने भी मूल राशियां होती हैं उन सब का विमीय सूत्र आपको याद रहेगा। ये वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे, मतलब ये फार्मूला यहां पर रखेंगे तो इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं और चार से छः और एग्जाम्पल बताता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि विमीय सूत्र कैसे निकलता है, विमा क्या होता है, ठीक है। तो ये हटा दिया मैंने, क्षेत्रफल हो गया था। अब आयतन से बात करते हैं, जैसे आयतन की बात कर लीजिए, आयतन बराबर क्या होता है? देखिए आयतन बराबर, आयतन का फार्मूला क्या होगा? तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो अब देखिए लंबाई के लिए विमीय सूत्र क्या होगा? लंबाई के लिए विमीय सूत्र होता है एल। चौड़ाई के लिए क्या होगा? सब समझ चुके हैं आप, ये भी हो जाएगा एल। ऊंचाई के लिए क्या होगा? ये भी एक प्रकार की लंबाई है तो ये भी हो जाएगा एल। और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा एल क्यू, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से आयतन बराबर आ गया, आयतन का विमीय सूत्र एल क्यूब आया। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी कोई भी आकृति होती है, बंद आकृति है, खुली आकृति है, उसका जो आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है वो त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय आकृति क्यों? तीन विमाएँ होती हैं उसमें लंबाई की, उसमें चौड़ाई लंबाई ऊंचाई तीनों इंक्लूड होते हैं। इसी तरह से किसी भी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसी कितने विमी कितने डायमेंशनल होती है, उसके डायमेंशन क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे कि वो दो डायमेंशन होती है ना। तो 2D 3D जो बोला जाता है तो उसमें D का मतलब क्या है? कोई भी देखिए जो सतह होता है ना, ये सतह ये कैसी आकृति है? ये 2D है। 2D का मतलब दो डायमेंशनल द्विविमीय आकृति होती है। किसी भी कमरे का सपोज कि ये जो बोर्ड है ये कैसी आकृति है,
तो आप बस सोच लीजिए एक बोर्ड कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है ना, या ऊंचाई कह लीजिए, दो ही तो है। तो ये द्विविमीय आकृति है। कमरा, अगर कोई कमरे को आप सपोज कर रहे हैं कि कमरा कैसी आकृति है, कमरे के अंदर जो जगह है, जो स्पेस है, जिसको हम आकाश बोलते हैं, ये आकाश कैसी आकृति है, तो ये त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और उसके साथ ही साथ ऊंचाई कह लीजिए या फिर गहराई कह लीजिए, तीनों है, तभी तो इसके अंदर इतना स्पेस है। अगर तीन ना होते, खाली दो होते तो एक सतह मिलता, और दो ना होके खाली एक मिलते तो एक पतला सा लंबा सा वायर हमको जैसे होता है, जैसे जो एक रेखा होती है, कैसी आकृति है। इसमें खाली एक चीज़ है, चाहे उसको आप लंबाई कहिए, चाहे आप चौड़ाई कहिए, चाहे ऊंचाई कहिए, ठीक है। तो ये एक वन डायमेंशनल है, सतह अगर लिया आपने तो ये दो डायमेंशनल, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। और अगर आपने कोई एक ये वॉल्यूम लिया, इसके अंदर जगह है, तो इसका मतलब ये थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग खाली थ्री डायमेंशन तक की ही बातें करते हैं, चौथे डायमेंशन को लेकर क्या क्या जानकारियां हैं और क्या क्या उसके बारे में बातें कही जाती हैं वो मैं कभी आपको बता दूंगा, लेकिन तीन ही परफेक्ट इसके बारे में जानकारियां, और तीन ही के बारे में हम आज तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो चलिए, 1D, 2D और 3D भी आप इसी में समझ गए। 3D जैसे फिल्में होती हैं, है ना, उसमें आपको गहराई भी महसूस होती है। नॉर्मली जो TV आप देखते हैं उसमें आपको 2D दिखाई देता है, लंबाई और चौड़ाई को आप फील कर सकते हैं, लेकिन जब आपको गहराई भी फील होने लगे, मतलब रियल में जैसे हमको दिखता है, उसको बोलते हैं 3D फिल्म लगी हुई है, ठीक है। चलिए, तो आयतन की बात कर रहे थे, तो आप इस आयतन को इस तरह से लिख लीजिए। देखिए, इसमें m नहीं है तो m पावर 0 कर लीजिए, और ये l पावर 3 है, और t भी नहीं है तो t पावर 0 कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरा हो गया आयतन का विमीय सूत्र, जिसमें द्रव्यमान की विमा है 0, लंबाई की विमा है 3, और समय की विमा है 0, ठीक है। अगला है, हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल घनत्व का। घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान और बटे में आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो क्या करेंगे, द्रव्यमान का विमीय सूत्र रखिए। द्रव्यमान के लिए क्या होगा? द्रव्यमान के लिए m होता है, तो हमने लिख दिया m, और अपान आयतन। देखिए, अपान में आयतन है, तो अब आप चाहे आयतन को फिर से लिखते, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर से पूरा कैलकुलेट करते, तो मिलता तो यही फाइनली। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, L³, और L³ को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ML-3, ठीक है, ML-3 हो जाएगा। अब इसमें T नहीं है, तो T को लाने के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया T⁻⁰, ठीक है। तो घनत्व का विमीय सूत्र हो गया ML-3, और T⁻⁰ हमने 0 भी लिख दिया। इसमें द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा -3 है, और समय की विमा 0 है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग बात करते हैं वेग और चाल, मैंने अभी बताया था, उसको भी देख लीजिए। चलिए, चाल लिख रहा हूँ मैं, तो चाल बराबर, ये वो चाल नहीं है जो चाल हम लोग चलते हैं दिमाग से, है ना, अपने दोस्त को पीछे करने के लिए, ये चाल स्पीड वाला चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी के लिए क्या लिखेंगे? दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है, अपान समय, और समय के लिए क्या हो जाएगा? तो समय यानी टाइम, तो यहाँ पर लिख दिया हमने T, और T का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका पावर 1 है, और जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 मानते हैं, और फिर इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाता है? L⁻⁰, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, m को लाना है, तो लिख लीजिए M⁻⁰, और ये L⁻⁰, T⁻⁰, ठीक है। ये विमीय सूत्र हो गया LT-1, और इसमें द्रव्यमान की विमा 0 है, लंबाई की विमा 1 है, समय की विमा -1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब इतनी चीज़ें हो गई, और अभी देखिए, अभी आप क्या करेंगे कि आपके जो बुक है, NCERT की जो बुक है, उसके पीछे बहुत सारे फार्मूले, लास्ट में भाग वन के एकदम लास्ट में बहुत सारे फार्मूले जो आपके सिलेबस में हैं और नहीं भी हैं, वो सब वहाँ पर लिखा है, उन सब का मात्रक निकाला गया है, उन सब का फार्मूला दिया गया, उन सब का विमीय सूत्र निकाला गया, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो उसमें जाकर आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितने भी फार्मूले दिए गए हैं आप कोशिश करिए कि उसका विमीय सूत्र जो निकाला गया वो कैसे आया है। मैंने तरीका आपको बता दिया है, आप अपने मेथड से करिए, फिर उस बुक से मिलाइए, आपको पता चलेगा कि आपको हर एक भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना आ गया है, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आपसे जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो फिर से बीमा को लेकर ही हम लोग बात करेंगे। अभी मैंने बहुत ही आसान आसान एग्जांपल लिए हैं 4-5 और मैंने पूरे प्रोसीजर को बताया है। तो अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आप फिर से रीड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो भी बुक्स में आपके पास फार्मूले अवेलेबल हैं उनका बीमी सूत्र निकालिए भी। जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स बन रही होंगी तो जब नेक्स्ट लेक्चर हम इसका आप लोग को लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ज़िंदगी में कभी भी दोबारा बीमा या बीमी सूत्र को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।